हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। सिरसा के चौतरफा विकास के लिए कांदाबंधु किसी भी तरीके से कोई कोर कसर छोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसी बीच सिरसा में रानिया रोड स्थित कांडा कॉलोनी में एचएलपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा ने पेयजल समस्या का समाधान करते हुए एक ट्यूबवेल का उद्घाटन किया। गोविंद कांडा सिरसा विधायक गोपाल कांडा के अनुज हैं। गोपाल कांडा शुरू से ही सिरसा में पानी की समस्या के समाधान के लिए कार्य कर रहे हैं और इसी को लेकर गोविंद कांडा ने जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग की ओर से स्थापित ट्यूबवेल का उद्घाटन किया। कांडा कॉलोनी और शाम कॉलोनी के लोगों को पेयजल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस अवसर पर गोविंद कांडा ने कहा कि आगे भी कॉलोनी के लिए कई कार्य किए जाते रहेंगे और एक विशाल गेट का निर्माण भी करवाया जाएगा। इस गेट के निर्माण का मकसद ये रहेगा कि लोग श्री बाबा तारा कुटिया के दर्शन करते रहें और पूजा अर्चना का आयोजन भी आसानी से किया जा सके। उधर किसान आंदोलन के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए गोविंद कांडा ने कहा कि जनप्रतिनिधियों का विरोध किसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसानों के बीच कुछ राजनीतिक लोग छुपे हुए हैं जो किसानों की आड़ में अपना स्वार्थ साध रहे हैं। सिरसा का विकास चारों तरफ चल रहा है, चाहे आज हम सिरसा में देखें नगर पालिका में, तो अभी अभी लगभग 12 करोड़ के टेंडर हुए हैं जिसके अंदर 124 गलियां चल रही है और अभी लगभग एक दो दिन के अंदर 8 करोड़ के टेंडर हो रहे हैं जिसमें 2 करोड़ के पार्कों के हैं, कुछ मुख्य सड़कें और हैं जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं, 8 करोड़ के टेंडर और हो जाएंगे। 20 करोड़ का टेंडर लगभग शहर के लिए हुआ है, बड़ी खुशी की बात है, और 30 करोड़ का टेंडर अभी लगभग 1-1.5 महीने के अंदर बिल्कुल रेडी तैयार पड़ा है, लगभग उसमें भी 300 गलियां और है, तो ये भी टेंडर 30 करोड़ का भी मेरे ख्याल से 30 अप्रैल से पहले पहले लग जाएगा, तो 50 करोड़ रुपये एक बार जब सिरसा में विकास के ऊपर लगेगा तो सिरसा में विकास के नाम की कोई कमी नहीं रहेगी। और जब से भाई गोपाल कांडा जी आए हैं उन्होंने बहुत विकास कराया, चाहे वो गाँव है चाहे शहर है। मेरे ख्याल से मैं आपको गारंटी देता हूं और लिखित में दे दूंगा जो कोई मेरे से मांगना चाहेगा, 2 पीढ़ियों तक पानी की कमी नहीं रहेगी और ये जितने भी ट्यूबवेल एक बार हमने टेम्परेली लगा के हम जो पानी दे रहे हैं जनता को, ये सारे ट्यूबवेल बंद हो जाएंगे, सबको एक समान पानी मिलेगा, पंजवाणा का पानी आरओ का पानी मिलेगा सबको। 3-4 साल से कांडा कॉलोनी में रह रहे हैं, हमारी कुछ पहले बिजली की समस्या थी जो कांडा जी ने दूर की, वो बाद में से पानी के लिए हम बहुत तरस रहे थे कि पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो कांडा जी से हमने अनुरोध किया, इन्होंने अपने किसी भी तरह अपने बलबूते पे हमें यह ट्यूबवेल लगवा के दिया और जी इसी लिए आज कांडा जी को बुलवाया गया है ताकि इसका उद्घाटन करवाया गया है। हमारे लिए तो दुख सुख में हमेशा कांडा जी हाथों हाथ हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हमारे सबसे बढ़िया कांडा जी हैं, हम तो कांडा जी के ही पीछे चल रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं कांडा जी का जिन्होंने हमारे एक कहने पे ट्यूबवेल लगवा दिया और आज हमारे एक कहने पे उसी वक्त ही हमारे बीच में आ गए।